हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष सरकारी नौकरी में। जी हाँ दोस्तों, लक्ष सरकारी नौकरी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के देश दुनिया से अच्छा से तमाम खबरों के साथ बने रहे, जुड़े रहे। तो फ्रेंड्स, एक लेटेस्ट जो है वायरल हुई है एग्जाम पेपर, तो क्या है सारी देखते हैं। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो आज हुआ है 12 जनवरी 2020 को, वो वायरल हो गया है, देख सकते हैं उसका जो एग्ज़ाम पेपर है वो वायरल हो रहा है, देख सकते हैं बिहार में क्या हो रहा है। हर बार इसके पूर्व में दरोगा परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लिख हुआ, बिहार पुलिस जो है कांस्टेबल, तो ये इतनी सुरक्षा होते हुए भी ये हाल हो जाता है बिहार के एग्जाम में, देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, ये देख सकते हैं उसके साथ आंसर भी ये वायरल हो रहा है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, ये देख सकते हैं। पूछा गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, निम्नलिखित कौन सा विद्युत का कुचालक है, भारी जल का अणु भार क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे बिहार पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम में। लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, नल और टंकी से प्रश्न आया था ये मैथ का, देख सकते हैं ये आंसर जो है वायरल हो रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या जो है स्थिति है बिहार की परीक्षाओं की, जो छात्र इतने मेहनत करके जाते हैं एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं और जॉब के लिए, और उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो जाती है, ये देख सकते हैं सारी वही सब है। आंसर शीट आंसर जो है वायरल हुई है क्वेश्चन पेपर के साथ ये मोबाइल से किसी कैंडिडेट के द्वारा, तो ये अच्छी बात नहीं है। छात्रों के साथ जो है अन्याय हुआ, जो छात्र जो है अपने मेहनत को दौलत जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए नाइंसाफ़ी हुई। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ लेटेस्ट अपडेट जो कि आपको बताना ज़रूरी था। फ्रेंड जुड़े रहें, जुड़े और जुड़े जब तक अन्य छात्रों को शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र जुड़ सकें, और आप जो है नेक्स्ट प्रोसेसिंग आप लोग जो करें, क्योंकि वायरल हो चुका है ये आप ही लोग से ही संभव होता है, अगर आप मूवमेंट करते हैं जो भी है तो आगे प्रोसेस जो है गवर्नमेंट एक्शन लेती है, तो आप जैसा करें ये आप पे ऊपर है, आपको साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अन्य मित्रों को भी कि अवगत हो इस जो है आज की इस घटना से, आखिर ये कब तक होता रहेगा बिहार में, आखिर क्यों इसका जिम्मेवार कौन, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हर बार, एक बार नहीं बार बार। इसके पूर्व में दारोगा परीक्षा, BSSC इंटर का जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इंटर लेवल का जो BSSC आप लोगों को मालूम ही होगा एग्ज़ाम का जो है, अभी तक काफ़ी दिन हो गया, अप्रोक्स कितने का रजिस्ट्रेशन रोल नंबर सब कुछ खो गया होगा, तो ये आखिर कब तक बिहार में होता रहेगा छात्रों के साथ नाइंसाफी। तो फ्रेंड्स, देश दुनिया के साथ बने रहें, जुड़े रहें शिक्षा जगत की तमाम खबर के साथ, देश दुनिया और शिक्षा जगत की। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।